सूरजपुर की प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले नदी में डूबे पति पत्नी के शव को नगर सेना की रेस्क्यू टीम ने बरामद किया। दरअसल कोरबा की सीमा पर स्थित रामेश्वर नगर के बांगोबाद में मंगलवार को नाव से नदी पार करने के दौरान 5 लोग डूब गए। 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई और 2 लोग डूब गए थे, जिनके शव को बरामद कर प्रेमनगर पुलिस ने विवेचना में जांच शुरू की। घटना है, गांव वाले जो है अपनी वैकल्पिक जो व्यवस्था है, पेड़ सा एक ही पेड़ को काट करके छोटा सा नाव टाइप के बना के उसी से आना जाना करते हैं। यद्यपि वो पेड़ का जो नाव है अपने आप में असुरक्षित रहता है, परंतु वही एक साधन है जिसमें वो आना जाना करते हैं। इसी में दिनांक 21/2 को ये लोग लौट रहे थे और संतुलन खराब हो जाने से दोनों पति पत्नी, एक पति जो उनका नाम है श्रवण उर्फ बहुलन बच्चालाल का लड़का है, पिता 35 वर्ष के हैं, और इनकी पत्नी श्यामाबाई ये 30 वर्ष की हैं, ये दोनों की डूब गए थे। इसको कल या परसों से लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी और SDRF की टीम, NDRF की जो बचाव दल है वो लगातार नगर सेना के जो बल हैं प्रयास कर रहे थे निकालने के लिए, और कल भी पूरे दिन भर लगे रहे। आज दोपहर को 3 बजे सूचना मिली कि दोनों के शव जो है वहाँ इनके प्रयास से बचाव दल के निकल गया है, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों की मृत्यु हो गई थी। वहाँ SDM साहब श्री उत्तम रजक साहब और प्रशिक्षु अनुभागी जो DSP हैं वहाँ, जो थाना प्रभारी के कार्य सीख रही हैं दीप माला कुर्रे, दोनों वहाँ डटे हुए हैं। मेरे से भी संपर्क हुआ है और अभी उनको जो तत्कालिक राहत राशि दिया जा सकता है वो उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं, और अभी अभी दोनों वहीं अधिकारी वहाँ डटे हुए हैं।